नमस्कार, आपका स्वागत है संस्कृति के महाकुंभ हमारे खास कार्यक्रम में। भारत देश में मेलों को मेलजोल और संस्कृति की धुरी माना जाता है, जहां लोग जीवन की निरंतरता से वक्त निकालकर इकट्ठे होते हैं और देश की अनोखी लोक कलाएं, लोकगीत और देश के रंग बिरंगे और भिन्न भिन्न पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। भारत की अतुल्य धरती, जीवन के उल्लास, त्योहार, मेल जोल के मौके, मेले, मेलों में सजती भारत की संस्कृति, एक छोटी सी धरा पर पूरे भारत की झलक। भारत में मेले कुछ यूं लगते हैं कि उसमें होते हैं कुछ अनोखे पहनावे। कुछ अलग अनोखे नाच गाने तो कुछ तीखे मीठे अनोखे पकवान। हर कोने में कई कलाओं का मेल, कुछ अनोखी कलाएं, लोक कला, लोकगीत, लोक नृत्य और मेलों में झूमते सजे धजे लोग, बस यही होता है एक संपूर्ण मेला। और मेलों की संस्कृति की झलक है सूरजकुंड मेला। हरियाणा के सूरजकुंड में हर साल फरवरी के महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला देश की कला एवं संस्कृति का सबूत है। इस मेले में देश के कोने कोने से कलाकार, शिल्पकार शामिल होने आते हैं और अपनी कला के जौहर दिखाते हैं। और इस मंच पर कला की धुन अलग ही होती है। शिल्प मेले का आयोजन पहली बार 1987 में किया गया। भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए तभी से ये आयोजन किया जा रहा है। सूरजकुंड का नाम यहाँ 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा सूरजमल की तरफ से बनवाए गए प्राचीन रंगभूमि सूर्यकुंड से पड़ा है। ये एक अनूठा स्मारक है क्योंकि इसका निर्माण सूर्य देवता की आराधना के लिए किया गया था। हजार में मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालयों और हरियाणा सरकार के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन इसका हर साल आयोजन करता है। और आज ये मेला भारत के शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण स्थान और शोहरत रखता है। साल 2013 में सूरजकुंड शिल्प मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया और वहीं से इतिहास में इस मेले ने कई कीर्तिमान स्थापित करने शुरू कर दिए और तभी से हर साल दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला लाखों सैलानियों का इस्तकबाल करता है।
सैलानियों के लिए यहाँ हस्तकला ही नहीं बल्कि लोक कला के दीदार का भी एक खास मौका होता है। फरीदाबाद में हर साल लगने वाले इस मेले में देश भर के लोकगीत और लोक नृत्यों की धूम होती है और इस बार हरियाणा के लिए चौपाल लगाई गई जहां हरियाणवी कलाकारों ने समा बांधा। लाखों सैलानियों का इस्तकबाल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हरियाणवी संस्कृति की धुन ने लोगों का मन मोह लिया, वहीं राजस्थानी कलाकारों ने भी खूब समा बांधा। भारत की संस्कृति संस्कृतियों का एक कुंभ है और इन्हीं संस्कृतियों का कुंभ देखने को मिलता है सूरजकुंड मेले में। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार चौपाल का आयोजन किया गया जहां पर की एक शाम हरियाणवी संस्कृति के नाम रही। क्षेत्र हेरिटेज धरोहर की तरफ से कलाकारों ने हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाई। हरियाणवी गीतों में सास बहू की तकरार और फौजी के इंतजार की झलक मंच पर खूब सजी। देश के फौजियों की शान पर हरियाणवी गीतों ने देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। बॉर्डर पर हरियाणवी जवानों की दास्तान तो सुनाई ही गई, वहीं कर्मठ किसान की कहानी भी बयां की गई। हरियाणवी कलाकारों ने किसानों से लेकर सैनिकों तक सभी को अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। हरियाणा के गीतों ने हरियाणा के हर रंग को दिखाया तो हरियाणा में सावन को लेकर नाचती गाती पनिहारियों को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता था। हरियाणा ही नहीं राजस्थानी कलाओं का भी संगम देखने को मिला। राजस्थान से बहरूपिया समाज से आए कलाकारों ने अपना रूप जिन के तौर पर धारण किया और मेले में घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया। एक
पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, इतना बदनाम हो चुका हूँ कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प कलाओं के साथ साथ नृत्य कलाओं का अनोखा संगम देखने को मिला। देश के हर कोने में देश की संस्कृति की एक अलग धुन है। और ये धुन सूरजकुंड के हर कोने में दिखाई और सुनाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हस्तशिल्प से जुड़े कई कलाकार इकट्ठे हुए जिन्होंने लोगों का मन मोह लिया है। इस महाकुंभ में कला के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले लोग और यहां पर मौजूद कारीगर कितने उत्साह में हैं, आइए देखते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। जो लोग हस्तशिल्प और कला की शौकीन हैं, उन लोगों के लिए ये मेला काफी खास है। इस मेले में हस्तशिल्प और कलाओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। मेले में राजस्थान के सांस्कृतिक नृत्य से लेकर कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान तक की सांस्कृतिक नृत्य का लुत्फ उठाया जा सकता है। मुख्य चौपाल पर राजस्थान से पहुंचे कथक नृत्य कर रहे देवेंद्र मंगलामुखी ने कहा कि देश की संस्कृति को जोड़ता हुआ ये पुराना नृत्य है और इसे बचाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कथक संपूर्ण है और एकता की मिसाल, अमन और चैन की कामना के लिए मुझे लगता है कथक सबसे ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा। ये बहुत आभार की, मतलब मैं इट्स प्रिविलेज, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है, गरिमा की बात है कि इतना बड़ा मंच जहाँ पे कहते हैं ना कि हमारा देश जो है वो कलरफुल है, इंडिया इज़ अ कलरफुल कंट्री, तो भिन्न भिन्न प्रकार के कलर और उनमें एक छोटा सा रंग मैंने भी छिड़क दिया कथक का, तो मुझे लगता है बहुत आनंदित है और मैं तहे दिल से शुक्रिया करते हैं विजय वर्धन सर का, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उनके बिना तो सब कुछ संभव नहीं था। मेले में दूसरे राज्यों से आए कलाकारों में निपुण हस्तशिल्प के कलाकारों का कहना है कि सूरजकुंड मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि विदेशों से आए कलाकारों से भी मुलाकात होती है। अच्छा लगता है, सूरजकुंड मेला है, लकड़ी का मूर्ति है, बालाजी बड़ा पुतने बालाजी चेला का है, जोला है, गाय कृष्णा है, गणेश है, सरस्वती है और बड़ा बड़ा पैनल्स है, वॉल एंगल्स है, ब्रैकेट्स है, सब मिला के बहुत बड़ा बड़ा मैंगो आइटम है। यानी कि एक तरीके से इस मेले को कलाकारों का संगम कहा जा सकता है। मेले में हस्तशिल्प कला से लेकर कथक नृत्य तक की झलक देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सूरजकुंड मेले में जहां दुनिया भर से आर्ट एंड क्राफ्ट के दीवाने पहुंच रहे हैं, यहां पर लोगों को भारत की अनोखी संस्कृति के साथ साथ इस बार के कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान की भी झलक देखने को मिल रही है। कहीं लोकगीत तो कहीं उज्बेकिस्तान के पारंपरिक परिधान, दुनिया के कई देशों की झलक, यह सब फरीदाबाद के 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में देखने को मिल रहा है, जहां देश और विदेश के कलाकार अपनी कला और संस्कृति का जादू बिखेरते नजर आए।
सूरजकुंड मेले की चौपाल पर रविवार की शाम सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रितु बेरी ने उज़्बेकिस्तान की फरगाना क्षेत्र की पोशाकों को अत्याधुनिक रंग देते हुए एक नई मनमोहक सीरीज प्रस्तुत की। मुझे बहुत मजा आया ये कलेक्शन करने के लिए, जहाँ मैंने उज़्बेकिस्तान और इंडिया दोनों की, उज़्बेकिस्तान का इक्कत, इंडिया का सिल्क खादी फैब्रिक और इंडियन एम्ब्रॉयडरीज को मिक्स करके, और उज़्बेकिस्तान आपने देखा होगा बहुत सारे जैकेट्स थे उज़्बेक स्टाइल में, बहुत सारे इक्कत के लहंगे थे। तो मेरा यही आइडिया था कि मैं इंडिया और उज़्बेकिस्तान को मिलकर एक बहुत सुंदर शो ऐसा करूं, ताकि दुनिया देख सके कि दोनों कंट्रीज में कितना सिमिलैरिटी है कल्चर्स में। 35 साल तक सूबे में आईएएस की नौकरी करते हुए प्रदेश के पूर्व गृह सचिव एसएस प्रसाद और उनकी अवधि लोक गायिका पत्नी रंजू प्रसाद के साथ सूरजकुंड मेले की चौपाल पर संगीत के सुर छेड़े गए तो चारों तरफ तालियां बज उठी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में एक कल्चरल प्रस्तुति दी है, और वो भोजपुरी अवधि का जो फोक म्यूजिक है, लोकगीत है, उस पर आधारित था। मेरे लिए ये विशेष तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 35 साल आईएएस में सर्विस करने के बाद ये जो संगीत की जो यात्रा है, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद यात्रा है। इसकी शुरुआत मैंने पिछले 5 सालों से की है, और 5 साल की अवधि में इस मुकाम पे आ गए कि इतने बड़े मंच पे अपनी प्रस्तुति दी, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। मैडम की आत्मा, उनकी जान संगीत में बसती है। सूरजकुंड मेले में चल रहे 34वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में 7 देशों के स्टॉल्स भी नजर आए, और इन स्टॉल्स पर जमकर लोग खरीदारी करते भी दिखाई दिए। कुल हमेशा ही सूरजकुंड का मुझे वेट रहता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के साथ साथ मुझे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे मैं भी इंटरनेशनल वाले सेगमेंट में हूँ। बांग्लादेश की साड़ियाँ हमेशा मेरी बहुत फेवरेट है, थाईलैंड के प्रोडक्ट्स और ये अफगानिस्तान की ज्वेलरी, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाती हूँ, स्पेशली एक बड़ा बैग लेके आती हूँ, जिससे हमेशा मेरे प्रोडक्ट्स रहते हैं। लोगों को कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं, ऐसा वर्क जो है बहुत कम मिलता है, इंडिया में भी हैंड पेंटिंग्स होती हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट आर्ट है, तो पीपल को अप्रिशिएशन तो बहुत है, बिकॉज इट्स अफोर्डेबल, यू नो। इस बार सूरजकुंड मेले में कंट्री पार्टनर उज़्बेकिस्तान है, जबकि थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा यहां आयोजित कार्यक्रम भी समाप्त बांधते नजर आ रहे हैं। सूरजकुंड मेले में जहां दुनिया भर के आर्ट एंड क्राफ्ट के दीवाने जुड़ रहे हैं, वहीं कलाकारों में भी खुशी है। उन्हें कला के लिए एक मंच मिल गया है, और यहां पहुंचने वाले सैलानियों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। सूरजकुंड मेला प्रांगण एक बार फिर देशी विदेशी हस्तशिल्पी की कारीगरी और पर्यटकों का अवलोकन कर रहा है। गीत संगीत और लोक कलाओं की धुन से मेला गूंज उठा है। दुनिया के सबसे बड़े क्राफ्ट मेले की सुरक्षा में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मेले में जहां कला और क्राफ्ट का अनोखा मेल है, तो वहीं लाखों सैलानियों की पहुंचने की आस है। ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। मेले में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर हलचल पर नजर बनाई जा रही है। यहाँ पे टोटल 332 कैमरे लगे हुए हैं, और यहाँ पे बैठ के मॉनिटरिंग की जाती है, जो सस्पेक्टेड पर्सन नजर आता है। हमारी टीम पूरे मेले में घूम रही है, अब जैसे ही जिसको सस्पेक्टेड पर्सन नजर आएगा तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई ये सस्पेक्टेड पर्सन है, इस पे नजर रखो। 1 से 17 फरवरी तक चलने वाले मेले में इस बार 10 लाख से ज्यादा देशी विदेशी सैलानियों के पहुँचने की संभावना है, और ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा में पुलिस कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं। पूरी
पूरी तरह से फरीदाबाद पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं इनसे किसी भी व्यक्ति को डरने या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो फरीदाबाद पुलिस ने साफ तौर पर जिस तरह की तैयारी की है उससे एक चीज तो क्लियर है कि जब आप मेले में आए तो सिर्फ मस्ती करें, यहाँ मस्ती करें, हस्तशिल्प को देखें, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह निश्चिंत रहें क्योंकि फरीदाबाद पुलिस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। मेले की सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद है। मेले के हर कोने पर पुलिस की पैनी नजर है। लेकिन पुलिस ने सूरजकुंड मेले में एक और मोर्चा भी संभाल लिया है, वो है लोगों को भारत की लोक धुनों से रूबरू करवाना। फरीदाबाद में अरावली की हसीन वादियों में कला और संस्कृति के सतरंगी रंग बिखेर रहे हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में देश विदेश से आए कलाकार अपने मस्ती भरे गीत संगीत और नृत्य से दर्शकों का मन लुभा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब पुलिस के जवानों ने अपने रंग बिखेरे और लोगों का मन मोह लिया। पंजाब पुलिस में अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे ये जवान हर साल सूरजकुंड मेले में आकर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हैं। इस मौके पर पंजाब पुलिस के जवान और कलाकार हंसराज कर्मा ने बताया कि उनको बेहद खुशी होती है जब वो सूरजकुंड मेले में आकर प्रस्तुति देते हैं। हमें बहुत खुशी होती है इस मेले में आके, बहुत खुशी हुई है क्योंकि कम से कम 20 साल से इस मेले में आ रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें यहाँ पे परफॉर्म करके, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है वो अद्भुत है और यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो प्रेस है जैसे आप हैं, बहुत सारा हमें प्यार करते हैं, तो जितना प्यार हमें मिलता है, जितनी ऑक्सीजन हमें मिलती है, उतना अच्छा ही हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी उसकी कृपा है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। इस मौके पर हंसराज कर्मा ने बताया कि उनकी टीम में सभी पंजाब पुलिस के जवान हैं और वो 16 फरवरी तक यहां पर रहकर लोगों के सामने तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। पंजाब पुलिस के जवानों की रंगारंग पंजाबी प्रस्तुति पर दर्शक जमकर नाचते और झूमते नजर आ रहे हैं और दर्शक नहीं समझ पा रहे कि चौपाल पर रंग जमाने वाले पुलिसकर्मी हैं या फिर एक पेशेवर कलाकार। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम संस्कृति का महाकुंभ में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और खास कार्यक्रम के साथ। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।